बिलावल भुट्टो जरदारी की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पर लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। मुशावरत का अमल जारी, लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत बिलावल की तजवीज़ की हिमायती। शहबाज शरीफ को फैसले से आगाह कर दिया, मौके से फ़ायदा उठाना मौजूदा वक्त और सियासत की ज़रूरत है, लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास, मुस्लिम लीग नून के मलिक अरशद के वजीर आजम इमरान खान बारे रिमार्क्स पर पीटीआई अरकान का एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े हो गए। ईवान में शोर शराबा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में एक दूसरे पर सख्त जुमलों का तबादला। राजा बशारत ने मलिक अरशद को हाउस से बाहर निकालने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं इंतखाबात में होने वाले फ्रॉड का हल टेक्नोलॉजी है, पहली बार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंतखाबात कराएंगे, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन को सब तस्लीम करेंगे, हुकूमत की असल काम शहरियों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना है। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई, एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में नाइक जियाउद्दीन शहीद। आईएसपीआर का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी से निपटने के लिए पूरा अज़्म है, सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। तालिबान अफगान दारुल हुकूमत काबुल से सिर्फ 90 मील दूर, हिरात गजनी के बाद कंधार पर भी कब्जा कर लिया। अफगान हुकूमत काबुल और चंद इलाकों तक महदूद रह गई। अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरी सिफारती अमले को निकालने के लिए फौज काबुल भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने तालिबान से सिफारत खाने पर हमला न करने की गारंटी मांग ली। दोहा मुज़ाकरात में अफगान शहरों पर हमले रोकने पर इत्तफाक, ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने पर सब मुत्तफिक हैं, अमन अमल को तेज करने पर भी इत्तफाक हुआ, फरीकैन फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए इकदाम करें। काबुल इंतजामिया को असलहा की फराहमी, अवाम से दुश्मनी, भारत ऐसे इकदाम छोड़ दे, तालिबान का मोदी सरकार को पैगाम, कहा दिल्ली ऐसी हुकूमत की मदद कर रहा है जो अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं। अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर कब्जा करने वालों को तस्लीम नहीं करेंगे, अमेरिका का तालिबान को वाज़े पैगाम, कहा अमरीकी शहरी वापस बुलाने का मतलब ये नहीं कि अफगान अवाम को तनहा छोड़ देंगे, अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारतखाना काम करता रहेगा। कायमा कमेटी वजारत दिफा के चेयरमैन सैयद मुशाहिद हुसैन कहते हैं अमेरिका ने जरूरत के वक्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, अमेरिका ने भारत का रुख कर लिया, इसको नुकसान होगा। अमेरिका में जो बाइडन इंतजामिया पर शदीद तनकीद हो रही है, खित्ते में अमेरिका को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है, अमेरिका शिकस्त के बाद अफगानिस्तान से चला गया लेकिन इस हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट का मंदिर हमले केस में गिरफ्तार मुलजिमों का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म, रिमार्क्स दिए, मीडिया पर चलने वाली फुटसब के चेहरे वाज़े थे। सुप्रीम कोर्ट का कच्चे के इलाके को डाकुओं से क्लियर करवाने का हुक्म, कहा पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, हम डाकुओं से जान नहीं छुड़वा सके। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा, अमवात में इजाफा, मुझी वायरस मजीद 89 जिंदगियां निकल गया, अमवात 24,266 हो गई, मजीद 4,619 अफराद में वायरस की तशखीस, 10,90,000 अफराद कोरोना में मुब्तला, 9,80,000 सेहतियाब, 86,300 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 43,50,000 हलाकतें, 20,63,00,000 मरीज, अमेरिका में 6,36,300, ब्राजील में 5,67,000, भारत में 4,30,300, मेक्सिको में 2,47,000, रूस में 1,68,000, फ्रांस में 1,12,500 और सऊदी अरब में 8,378 अमवात।
पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ बयानिया की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। मौजूदा हालात में मनफी सियासत गैर दानिशमंदाना और कौमी मफादात के मनाफी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपोजिशन को मशवरा, कहते हैं अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा। मायूस अनासिर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अवाम मनफी सियासत की बजाय मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं।